अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अच्छा, आज हमने देखना है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास एक टॉपिक था कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो वो डायमेंशंस पर कर रही थी, नेचर पर कर रही थी, टेम्परेचर पर कर रही थी। फिर हमने डायमेंशंस के रोले को साइड पर मारा धक्का और उसकी जगह एक नई टर्म निकाल दी, रेजिस्टिविटी। वो दो चीज़ों पर अब करती है, नेचर पर कि भाई किस किस्म का मटीरियल है, दूसरा कितने टेम्परेचर पर काम हो रहा है, मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट उस पर आ रहा है कि टेम्परेचर के चेंजिंग से उसका सारा चेंज हो रहा है रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो डायमेंशन वाले रोले को निकाल कर ये जो बच रहा है ये है टेम्परेचर। तो आज हमने देखना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस भी कह सकते हो आप इसे, या रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट। अब ज़रा समझते हैं कि क्या होता है। एज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, इंक्रीजेस तो क्या होता है, द थर्मल वाइब्रेशन ऑफ द मटीरियल एटम आल्सो इंक्रीजेस। अब होता ये है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से थर्मल वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, ड्यू टू विच इट इफेक्ट्स द फ्लो ऑफ चार्जेस, के इससे फ्लो ऑफ चार्जेस इफेक्ट होता है, यानी कि चार्जेस की स्पीड कम ज़्यादा होती है। अब ज़रा देखते हैं कि कैसे, कि फ़र्ज़ कर लो ये आपके पास कोई भी कंडक्टर है, इसके अंदर एटम्स हैं, ये जिसके एटम्स हैं, अब इधर से आ रही हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स सपोज हमने इसे बैटरी से कनेक्ट किया है और इधर से आ रही हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये एटम्स अपनी मीन पोजीशन पर कर रहे हैं वाइब्रेट। लेकिन अगर इसी मटेरियल का मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो ये अगर यूं यूं वाइब्रेशंस कर रहे थे, मींस कि इनकी वाइब्रेशन ज़रा स्लो थी, इतनी इतनी इलाके में थी, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली यहाँ से निकल जाता था, ये यूं होकर यूँ निकल जाता था। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो हमें पता है कि टेम्परेचर डायरेक्टली होता है थर्मल, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा वहाँ पर, तो इनके साथ इनकी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। जब वाइब्रेशंस बढ़ती हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो कुलयन है हिंड्रेंस एटम्स की वजह से वो ज़्यादा होती है, जिसे मैं कहता हूँ यार नंबर ऑफ चार्जेज यानी कि फ्लो रेट कम हो गया है। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है, असल में उस मटीरियल की जो एटम्स के अंदर थर्मल वाइब्रेशन है वो बढ़ती हैं यूं यूं, जिससे कुलयन्स बढ़ते हैं, और कुलयन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम होती है, जिससे स्पीड कम होने से उनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होना शुरू हो जाती है, और वहाँ पर मटेरियल के अंदर कुलयन्स की वजह से हीट भी जनरेट होती है। जब मजीद हीट जनरेट होती है तो मजीद कुलयन्स होते हैं, क्योंकि वही टेम्परेचर थर्मल काइनेटिक एनर्जी बन जाता है। इसे होते होते मटीरियल बहुत ज़्यादा हीट अप होना शुरू होता है और उसकी कंडक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाती है और रेजिस्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसे हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। लेट्स सपोज आपने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया है और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने एक स्टूडेंट को कहा कि भाई आपने जब इस मटेरियल को स्टडी करना है तो इसकी जो इनिशियल रेजिस्टेंस है उसको ज़रा नोट कर लेना। ठीक है, आर आई, इसको मैं कह देता हूँ आर नोट। आर नोट मीन ओरिजिनल रेजिस्टेंस। और जाहिर सी बात है जब मटेरियल में से करंट फ्लो होगा तो कोलिजंस तो होंगे, थोड़े बहुत होंगे, जिससे टेम्परेचर भी चेंज होगा, तो इसका फिर एक इनिशियल टेम्परेचर भी होगा, जिसको मैं कह देता हूँ टी आई विच इज इक्वल टू टी वन। ठीक हो गया। अब जब वो बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो करता जा रहा है करता जा रहा है, कोलिजंस हो ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से जब कोलिजंस होते जा रहे हैं तो उसकी जो आखिर में जो टेम्परेचर होगा वो उसका चेंज हो जाएगा और वो बन जाएगा फाइनल टेम्परेचर टी एफ विच इज़ इक्वल टू टी टू। तो जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा
वो कितना बनेगा आपको, कैसा चेंज इन टेम्परेचर है, टी टू माइनस टी वन, यही बनेगा, ये इसका आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। सिमिलरली अगर टेम्परेचर चेंज हुआ है तो यानी कि कोलिजंस की अमाउंट भी कम ज़्यादा हुई है। अब वही मटेरियल जो पहले कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था वो रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर कर रहा होगा, क्योंकि उसके एटम्स के पास अब एनर्जी ज़्यादा है ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, जिससे कोलिजंस ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी ज़्यादा। तो फिर इधर जो रेजिस्टेंस आएगी उसका नाम रख देते हैं हम फाइनल रेजिस्टेंस, उसको हम क्या देते हैं आर एफ, विच इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। ठीक है, यानी कि ये वही रेजिस्टेंस है, बस इसका नाम क्या रख दिया, रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, ये बन जाएगा। तो फिर इसके अंदर जो चेंज इन रेजिस्टेंस आएगा वो किसके बराबर आएगा, कितनी रेजिस्टेंस चेंज हुई, क्योंकि पहले तो कुछ ना कुछ थी, तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस आएगी वो किसके बराबर आएगी, आर टू माइनस आर वन, विच इज इक्वल टू आर टी माइनस आर वन, यही बनेगी। अच्छा, अब इसके अंदर कंसेप्ट क्या यूज़ हो रहा है, इसके अंदर ये बताना ये चाह रहा है कि अगर दो बच्चों को आपने सेम मटेरियल दिया है, एक बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया है वो कार कर के चला गया, दूसरा बच्चा आया वो दोबारा करना शुरू कर देगा, तो उसके लिए जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है जो पहले के लिए थी वो दोनों सेम नहीं होंगी, वो वाली यूज़ करेगा, जब उसने एक्सपेरिमेंट यूज़ किया तो वो उसकी इनिशियल रेजिस्टेंस होगी और जो दूसरे वाला वो उसकी होगी, लेकिन ऑल दो इनका जो रिजल्ट हमारा एंड में बनेगा जो कांस्टेंट आएगा वो दोनों के लिए सेम आएगा, और वो एक जनरल सी टर्म होगी, हम उसे पढ़ते हैं अभी। तो यहाँ से देखा जाए तो गौर करने पर ये पता लगेगा कि जितना भी चेंज आएगा इस रेजिस्टेंस में, जितना भी चेंज आएगा वो असल में डिपेंड करेगा कि एक्सपेरिमेंट शुरू करते वक्त उसकी इनिशियल रेजिस्टेंस कितनी थी, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डेल्टा आर डायरेक्टली होगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस, क्योंकि उस वक्त ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितनी थी। हाँ, ये भी है। दूसरा, डेल्टा आर एक और चीज़ के भी डायरेक्टली आएगा, कितना टेम्परेचर हुआ, कितनी रेजिस्टेंस में चेंज आया, जब कितना टेम्परेचर में क्या होगा चेंज। बुक ने इसे जस्ट टी का है तो मैं डेल्टा टी सिर्फ बोल रहा हूँ, तो बुक ने स्टार्टिंग टेम्परेचर जीरो लिया था, ठीक, तो बुक जीरो के लिहाज से शुरू कर रही है, तो मैं डेल्टा टी के लिहाज से करूँ। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, बाई कंबाइनिंग, इनका नाम इक्वेशन नहीं है, ये रिलेशन है, तो एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो आप इन्हें, तो डेल्टा आर डायरेक्टली आएगा आर नॉट इंटू डेल्टा टी, क्लियर। अब आपको पता है कि जब यहाँ पर एक इक्वल आता है तो यहाँ पर एक कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो क्या आएगा आर नॉट इंटू डेल्टा टी, और यहाँ से जो आर कांस्टेंट है इसका नाम बुक ने रखा है अल्फा, अब भाई ये अल्फा क्या बला है जरा इसको देखो, अल्फा अगर आप गौर से देखो तो अल्फा बनता क्या है, यहां से अगर आप गौर करो तो अल्फा जो है वो बराबर आ जाता है डेल्टा आर ओवर आर नॉट इनटू डेल्टा टी, और डेल्टा आर क्या था, चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर ओरिजिनल इनटू डेल्टा टी, यानी कि ये कहता है कि कितना चेंज आएगा रेजिस्टेंस में, फ्रैक्शनल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के, और टेम्परेचर के सेंस में हम अगर इसको देखें कैलकुलेट करें तो इसकी डिफाइन जो बनेगी वो ये बनेगी द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल पर केल्विन इज कॉल्ड अल्फा, और अल्फा का नाम उसने रखा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि ये क्या है, ये कहता है कि कितना फ्रैक्शनल चेंज आएगा, अच्छा फ्रैक्शनल का मतलब होता है बटा, कि बटे के हिसाब से कितना चेंज आएगा जब उसके टेम्परेचर में मटेरियल के चेंज आएगा केल्विन के हिसाब से, ये इसका कहलाता है टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये जो टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन किस पे करता है,
ये मटेरियल पर डिपेंड करता है जस्ट, यानी कि जो हमने पीछे पढ़ा था, यानी कि ये जस्ट नेचर पर। तो हर मटेरियल का ये अल्फा डिफरेंट होगा। फर्ज कर लो कि इसकी हम अभी कैलकुलेशन करते हैं, इसके यूनिट देखते हैं, तो इसके अगर आप यूनिट देखो तो यूनिट कितने आ रहे हैं, ऊपर ओहम, नीचे ओहम, और ऐसा यूनिट इसके कैलवन। तो ओहम ओहम से कट जाएगा तो क्या बचेगा, वन ओवर कैलवन, विच इज इक्वल टू पर कैलवन। तो पर कैलवन इसके यूनिट। अब ये क्या कहते हैं, अगर फर्ज कर लो सपोज किसी मटीरियल का जो अल्फा है वो लिखा हुआ है 5 पर कैलवन, इसका मतलब क्या है कि अगर एक कैलवन टेम्परेचर चेंज होगा, कितना, एक कैलवन, तो उस मटेरियल की रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम चेंज होगी। ये बोलना चाह रहा है। अगर आप इसमें पुट करो तो आपको नज़र आएगा कि 5/K, तो ओम ओम लगा भी दो इधर, तो इसका मतलब है कि 5 ओम रेजिस्टेंस चेंज होगी बनिस्बत के उसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस के, ओरिजिनल रेजिस्टेंस के लिहाज से 5 चेंज हो जाएगी। अगर पहली स्टार्टिंग में 1 ओम थी तो बाद में उसकी 5 हो जाएगी, अगर टेम्परेचर कितना चेंज हुआ होगा, 1 केल्विन। दिस इज नाउन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अच्छा, ये जो अल्फा है ये अगर आप गौर करो तो ये चेंज बता रहा है, यानी कि ये चेंज अगर आप इसे गौर करो तो इस चेंज का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और ये चेंज नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये चेंज है। पॉजिटिव तब होगा जब आर टी बड़ा होगा आर नॉट से, ठीक है। तो हम इधर लिखते हैं पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव चेंज का मतलब है कि आर टी ग्रेटर देन आर नॉट, देन अल्फा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जीरो से ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। ये मोस्टली ऐसे मटेरियल जिनके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, ऐसे मटेरियल्स को, ऐसे मटेरियल का अल्फा आता है पॉजिटिव, ठीक है। तो फ्रैक्शनल चेंज इनका आएगा पॉजिटिव। मोस्टली हम इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं कंडक्टर्स की, यानी कि जो मेटल्स वाली चीज़ें होती हैं, कंडक्टर्स होते हैं, ये आते हैं। दूसरे हैं नेगेटिव चेंज, नेगेटिव चेंज कब आएगा, जाहिर सी बात है ऊपर वाला आंसर नेगेटिव कब आएगा, जब आर टी लेस देन हो जाएगा आर नॉट से, देन अल्फा इज लेस देन जीरो। अब इस वक्त ये वाले मटेरियल हमारे पास मोस्टली यहां तो इलेक्ट्रोलाइट्स है जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे केमिकल इफेक्ट में, या एक और मटेरियल है, एक आगे हम पढ़ेंगे, इनको बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर्स। तो इनके अंदर अल्फा के आंसर नेगेटिव आ जाता है, ठीक हो गया। ये था रेजिस्टेंस के लिहाज से। अब कोई बच्चा कह सर रेजिस्टिविटी के लिहाज से भी समझा दो, फिर रेजिस्टिविटी के लिहाज से कुछ भी नहीं करना, बस आपने इस इक्वेशन को दोबारा यूज करके इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। अब आपके सामने जो अल्फा बनाया है वो मैंने बनाया है आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इंटू डेल्टा टी। हमें पता है कि जो आर है वो किसके बराबर है, रो एल ओवर ए, यही। तो अगर ये टी है तो इधर टी लग जाएगा, क्योंकि लेंथ और एरिया तब भी वही रहेगा। अगर ये चेंज हुआ तो रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो फिर अगर मैं इसे लिखूं तो अल्फा लिखूंगा मैं आर की जगह लिखूंगा रो टी एल ओवर ए माइनस आर नॉट है तो इधर आ जाएगा रो नॉट एल ओवर ए ओवर आर नॉट है तो क्या आ जाएगा रो नॉट एल ओवर ए मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी, यही बनेगा। ऊपर देखो तो एल ओवर ए कॉमन आ रहा है तो क्या बन रहा है रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट एल ओवर ए इंटू डेल्टा टी, ये इसे कैंसिल आउट। तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट इंटू डेल्टा टी। ये क्या कहता है, इसकी डिफाइन भी वही है, ये कहता है। और इसके अगर आप यूनिट देखो, पहले मैं यूनिट लिखता हूँ फिर डिफाइन बाद में लिखता हूँ, तो इसके रो नॉट के आपको यूनिट अगर किसी को याद हो तो क्या थे वो ओहम मीटर, ऊपर चेंज है तो ओहम मीटर आएंगे, नीचे के आएंगे ओहम मीटर और केल्विन। तो देखो ये कट गए, तो अल्फा अब भी किसके बराबर आ रहा है 1/K विच इज इक्वल टू के की माइनस 1। तो ये रेजिस्टिविटी के सेंस में कहता है कि किस मटेरियल की कितनी रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा, कौन सा चेंज भाई साहब, बटेगा चेंज। बटेगा चेंज का मतलब फ्रैक्शनल चेंज मटेरियल में पर केल्विन के हिसाब से, वो उसका क्या होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसकी अगर डिफाइन लिखे तो फिर मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा द फ्रैक्शनल चेंज इन
रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ, उधर रेजिस्टेंस लिखा था, इधर क्या लिखेंगे, रेजिस्टिविटी। क्लियर हो गया, ये आपके पास आ जाएगा टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी के सेंस में मोस्टली बुक ने लिखा हुआ है, यानी कि जो टेबल है तो उस सेंस में आप कर लो, रेजिस्टेंस के लिए ऐसे करना है वैसे कर लो, लेकिन दोनों के लिए आंसर इसका सेम ही बनेगा। समझ आ रही बात की, सेम ही बनेगा। अल्फा अगर कॉपर गया तो कॉपर के लिए वो सेम ही होगा, चाहे किस मर्जी टेम्परेचर पर आप उसे डील कर लो, क्योंकि ये एक कॉन्स्टेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है या कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो उसे कमेंट में लिखें, वीडियो के बारे में भी बताएं कमेंट में, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।